नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। जनपद बलिया से इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पंचायत चुनाव में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपने नजदीकी समर्थकों के साथ राजनीति के सारे दांव चलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं मतदाताओं को प्रधान जी की ओर आकर्षित करने कराने में मठाधीशों की खूब चांदी कट रही है। जी हां, कुछ प्रत्याशियों के खेमों में काने राजा टाइप के मठाधीश सहित तमाम कार्यों का संचालन कर रहे हैं, जो गांव के भोले भाली जनता के लिए काफी परेशानी के सबब बने हुए हैं। ऐसे तमाम कारण हैं जो प्रत्याशियों व उनके सच्चे समर्थकों को उलझा कर रख दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि रसा ब्लॉक के अमहरपट्टी उत्तर क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी स्वयं अपना होमवर्क करेगा, चुनाव की परीक्षा में उसे सफलता मिलने की संभावना है। समाचार ए टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। तो आज समाचार ए टू जी टीम की जो है बलिया से चलकर आई है। आज उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसना ब्लॉक क्षेत्र के जो है आज ग्राम सभा अमहर उत्तर पट्टी में आई हुई है और यहाँ चौपाल के माध्यम से जानना चाहेगी कि अगला प्रधान कौन होगा। और हमारे साथ आप पीछे देख रहे हैं, काफी तादाद में जो है गांव के लोग बैठे हुए हैं और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कार्य कैसे होगा, क्या एजेंडा होगा, किस एजेंडा पे आप जो है प्रधान के दावेदार होंगे। आइए उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट टुन्ना शर्मा के साथ पिंटू सिंह की खास रिपोर्ट। एक नाम बताइए। हमारे नाम बदामी देवी। अच्छा, अमर गांव सभा के हैं आप? हाँ, उत्तर जी उत्तर। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ तमाम प्रधान जो है दावेदार हैं, सात सात प्रधान दावेदार हैं यहाँ पे, और अभी समाचार की टीम आई हुई थी तो यहाँ पे जो है पांच प्रधान पहले ही दौर में भाग गए जनता के बीच। तो ऐसे में जो है जनता के बीच जो है प्रतिदिन आते हैं और विकास इस गाँव में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, एक वही बरम जी के टाइस भी लगा है। अच्छा, यही हुआ है गांव का विकास। अच्छा, आजादी के बाद से देखा जाए तो दोनों तरफ का संपर्क मार्ग टूट गया है, चूंकि जिला मुख्यालय जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है यहाँ पे। बरसात के दिनों में काफी यहाँ पे दिक्कत होता है यहाँ पे आने जाने के लिए, और सबसे बड़ा जो पीछे आपका जो है पानी की समस्या है, पूरे गाँव का पानी की समस्या है। आप एक गोद में एक बच्चा भी लिए हैं, आने वाला भविष्य है कल का, किसी का बच्चा हो, लेकिन इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी प्रधान बने, अच्छे अच्छे गाँव के विकास करे, और इससे तो हम लोग को कोई सुख लाभ हुआ नहीं। जितने भी प्रधान हुए कोई हम लोग को सुख लाभ नहीं दिए हैं। अब तक कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास भी नहीं किए हैं। ये भी नहीं कि महिलाएं गरीब हैं उसके लिए गांव में कुछ करवाई करवाएं कि वो भी जिए खाएं, कुछ भी नहीं किए। तो सरकार तो करे सबका साथ सबका विकास, ऐसे में शौचालय भेज दी है। यहाँ का प्रधान कुछ भी नहीं देता भी नहीं है, बताता भी नहीं। अच्छा, यहाँ कोई शौचालय नहीं मिला? जिस रोड पे जाना पड़ता है। हाँ, आवाज में अपना एक परिचय बताएं। मैं राम निवास सिंह, ग्राम अमरपट्टी उत्तर का निवासी हूं। ये बताइए कि आपके गांव में तमाम प्रधान जो है दावेदार हैं, सात प्रधान दावेदार हैं यहां पे, हालांकि मौके पे दो ही लोग आए हैं, काफी जो है पांच प्रधान जो है नहीं दिख रहे हैं यहां पे। हालांकि समाचार ए टू जी बार बार उनको फोन कर रही है, उनको आश्वासन भी दिए थे लोग कि 4 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं, केवल दो ही प्रधान दावेदार आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, प्रधान जी लोग कहीं कहीं गए होंगे। नहीं, जनता के प्रधान है, जनता के बीच सीधे जनता के बीच सीधे संवाद हो रहा है, और यहाँ पे जो है वर्षों से आजादी के बाद देखा जाए तो संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, और न यहाँ पे जो है पानी की बड़ी समस्या है। तो आप युवा है, क्या चाहते हैं आप देश के प्रति? आज 45 साल से इसी को देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, इधर ये प्रधान जी बने वो प्रधान में, आज तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसी समस्या को लेकर हम अपने प्रधान माननीय अरविंद सिंह गुडू जी को उठाए हैं कि ये जीतेंगे तो इस कार्य का समस्या का समाधान करेंगे, और इस समस्या का समाधान इन्हीं से हो सकता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत तेज आवाज में अपना एक परिचय बताएं। मेरा नाम कमला प्रसाद है। कमला प्रसाद जी, देखा जाए तो आजादी के बाद से इस गांव की बड़ी स्थिति बदहाल रही है, और यहां पे पानी का कोई निकास नहीं है। जी नहीं, कई नेता आए, कई प्रधान हुए, लेकिन आज भी विकास जो है कहां दिख नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि पानी का निकासी हो जाए और सबको शुद्ध पानी मिले, और ये सड़कें जो है ये अच्छी हो जाए, चले फिर। यानी देखा जाए तो इस गाँव में दूर दूर तक विकास नहीं दिख रहा है। जी हाँ। चलिए, बात करते हैं। अरविंद कुमार सिंह, मैं अमर पट्टी उत्तर का निवासी हूँ,
आज आज यहाँ जो है चौपाल के माध्यम से एक कार्यक्रम लगाया गया है और जनता की समस्या जो है जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। देखा जाए तो आजादी के बाद से इस गांव की जो है संपर्क मार्ग टूट गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे गांव के बीचों बीच में जो है वो बड़ा सा एक जो है गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा पानी का जो है केंद्र बना हुआ है और जो स्वच्छ भारत का मिशन जो है कहीं ना कहीं बंटर बांट रहे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि जितना भी ये समस्या आप लोगों द्वारा सुन रहे हैं, इस समस्या का समाधान हमारे प्रत्याशी अरविंद सिंह गुड्डू पत्नी ममता सिंह द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत तो आज समाचार ए टू जी टीम की जो है बलिया से चलकर आई है। आज उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसना ब्लॉक क्षेत्र के जो है आज ग्राम सभा अमहर उत्तरपट्टी में आई हुई है और यहाँ चौपाल के माध्यम से जानना चाहेगी कि अगला प्रधान कौन होगा। और हमारे साथ आप पीछे देख रहे हैं काफी तादाद में जो है गांव के लोग बैठे हुए हैं और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कार्य कैसे होगा, क्या एजेंडा होगा, किस एजेंडा पे आप जो है प्रधान के दावेदार होंगे। आइए उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट टुन्ना शर्मा के साथ पिंटू सिंह की खास